जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदू रिचुअल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आप तुलसी की पौराणिक कथा सुनते हैं या वर्णन करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, टाइम ज़्यादा न लगाते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पति व्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी नहीं आ सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल में रखकर निकलते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है।
बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों ये थी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को बहुत अधिक प्यार दें। जय तुलसी माँ दोस्तों।